नमस्कार, मैं आप सभी का प्यारी सोनी कुमारी। और अभी बज रहे हैं रात एक, मेरा सोने का टाइम और मैं मच्छरदानी के अंदर हूँ। क्या करूँ भाई, मेरा टाइम नहीं बीतता है। दिन भर मैं अकेला ही रहती हूँ, रात में भी अकेला रहती हूँ, तो ऐसे ही वीडियो वीडियो बना के अपना टाइम पास कर लेती हूँ। तो इसके लिए भी मुझे बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन पहले एक भैया ने मुझे कॉमेंट किया था, सोनी मेरा गर्लफ्रेंड मुझे भाव नहीं देती है और मेरा कोई बात नहीं सुनती है, इसका कारण मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ, प्यार नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए मैं सोचा ही वीडियो बना लूँ, उनका साथ तो बात नहीं हो सकता है फ़ोन में, तो वीडियो ही बना लिया मैंने। अगर भैया आप किसी को प्यार कीजिएगा ना, तो ज़रूरी नहीं जो अगला आदमी भी आपको प्यार करे। प्यार अक्सर एक तरफ ही होता है, दोनों तरफ से प्यार बहुत ही कम होता है। एक तरफ से प्यार कर रही हो तो सब कुछ मान लेना पड़ेगा, सब कुछ सहलना पड़ेगा। अगर आप किसी का प्यार चाहते हो तो जो आपको प्यार करे उसी से ही प्यार करना पड़ेगा। आप जिसको पसंद करते हो उसको प्यार कीजिएगा तो शायद दोनों तरफ से प्यार सक्सेस नहीं होगा, दोनों तरफ से प्यार नहीं मिलेगा, अक्सर प्यार एक तरफ ही होता है। भैया ने काफ़ी डिप्रेशन में गया है, कमेंट किया था। अक्सर ऐसा ही होता है, जो आप किसी को प्यार करो वो आपका प्यार ना समझे, आप कुछ समझा रहे तो वो ना समझे, ना सुने, आप कुछ बोले आपका बात को ना सुने, आपका कोई कदर ना करे, इज्जत ना करे, आपको टाइम ना दे, भाव ना दे, कुछ ना दे। ऐसा ही अक्सर होता है प्यार में, जो एक तरफा प्यार होता है। अगर दोनों तरफ से प्यार होगा ना तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं आएगा। आप जितना टाइम उसको दीजिएगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा। तो भैया ये सब लेके सोचना नहीं चाहिए। अगर आप एक तरफा प्यार करते हो तो सब कुछ मान लीजिए, और दोनों तरफ से प्यार चाहते हो तो जो आपका बात नहीं सुन रहे उसको छोड़ दीजिए। और बात यही है, जो प्यार नहीं करता है, भैया आप कितना हो प्यार करो ना क्यों, जो आपको प्यार नहीं करता है आपका बात नहीं सुनेगा। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी समझाइए, आपका फीलिंग्स का कोई कदर करेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको प्यार नहीं करता है ना। आपका फीलिंग्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस टाइम पास नहीं होता है इसलिए शायद आपका साथ बात कर लेता है टाइम पास करने के लिए। लेकिन प्यार अगर आपको पाना है तो आपको जो प्यार करे उसी को ही शिकार करना पड़ेगा, तब आपको प्यार मिलेगा। आपका फीलिंग्स को समझेगा, आपका हर बात सुनेगा, हर एक बात समझने का कोशिश करेगा। और जो आपको प्यार नहीं कर रहा है, आपको नहीं सुन रहा है, आपका कहना नहीं मान रहा है, आपको कोई दाम कदर नहीं कर रहा है, आपका फीलिंग्स का कोई कदर नहीं है उसके पास, तो भैया हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, ऐसा अगर आपका रिलेशन है तो हट जाइए रिलेशन से, क्योंकि जितना जल्दी आप हट जाइएगा उतना ही आपका मंगल है, उतना ही अच्छा होगा। और आदमी तभी छोड़ के जाएगा ना आपको जब आप तरक्की कीजिएगा, क्योंकि लोग वो लोग आपका उसी टाइम साथ देगा जिस टाइम उन लोगों का आपका लेवल कराएगा। जब आप तरक्की कीजिएगा ना तो सोचिएगा बहुत कुछ छूट जाएगा, दोस्त छूट सकता है, प्यार छूट सकता है, रिश्तेदार छूट सकता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है भैया दुनिया में जो हमसे कोई आगे बढ़े। ये बात हम मुस्कुरा के बोल सकती हूँ, क्योंकि आप अगर तरक्की कीजिएगा तो आपका किसी ना किसी का साथ छूटेगा ही, क्योंकि जो साथ छोड़ देगा ना वो कभी नहीं चाहता है जो आप तरक्की करें, और आपका साथ चलने में उसका दिक्कत होगा क्योंकि वो आपका लेवल का नहीं है, इसलिए आपका साथ प्रॉब्लम है, आपका साथ बात करने में दिक्कत है, चाहे आपका साथ आपको समझने में सब चीज़ से दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है उसका लेवल में ही आप रहिए, उसका साथ उसका जैसा ही रहिए। आपको आगे बढ़ने, आप आगे बढ़ जाइए देखना नहीं चाहता है, इसलिए आपको छोड़ के चल जाना चाहता है। तो इससे घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई आज छोड़ के जा रहा है तो कल आपके लिए कोई अच्छा चीज इंतजार कर रहा है, तो जरूर मिलेगा आपको।
और दिन जाता है तब रात आता है, रात जाता है तभी ना दिन आता है भाई। तो इसे घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आज जो आपको प्यार नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, मत समझाइए। समझा के ना किसी का प्यार नहीं मिलता है। जो प्यार करता है वो खुद से ही समझ जाता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या हर फीलिंग्स हर बात हर कुछ समझ लेगा। उसको बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। जो आपको क्या चाहिए, आप कैसे उसको चाहते हो, कैसे पसंद करते हो, आपको क्या कौन आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उसको बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना समझा के बुझा के प्यार नहीं होता है। जो प्यार करता है हमेशा एक जैसा ही प्यार करते ही रहेगा, कितना कुछ हो जाए साथ नहीं छोड़ेगा। बाकी जो प्यार नहीं करता है बस दिखावा करेगा कुछ दिन के। डिप्रेशन में गया सोच सोच के, तो प्लीज सोचना बंद कर दीजिए, अपना काम पे ध्यान दीजिए, काम पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। देखिएगा जो आज आपको टुकड़ा के चल गया ना, कल गिर के आएगा आपका पास। इंसान का ना एक चाम के कदर कोई नहीं करता है, बाकी काम की कदर करता है सब कोई। मेहनत के मेहनत कीजिए, सब कोई आपका कदर करेगा। बिना मेहनत से ना, बिना काम से ना कोई नहीं पूछता है, कोई कदर नहीं करता है। अगर बोलूँ तो कौन, बिना मेहनत से बिना काम से कोई कोई प्यार नहीं करता है, बिना मतलब से कोई प्यार नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है, सोचिएगा उसका मतलब ख़त्म हो गया है। आपसे जो चाहता है वो मिल गया होगा, चाहे नहीं मिलेगा ऐसा ही है, इसलिए आपको छोड़ के कोई चल जाएगा। तो अपना मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपना काम पे ध्यान दीजिए, इतना डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन में जाना होगा तो मुझे फोन कीजिएगा, दोनों एक साथ चल चलेंगे। क्योंकि हमेशा 24 घंटा में मैं 25 घंटा ही डिप्रेशन में रहती हूँ भाई, फिर भी हम अपने आप ठीक हो जाते हैं। सोच सोच के क्या ना, डिप्रेशन में किसके लिए जाऊँ, मैं खुद के लिए जाती हूँ डिप्रेशन में सोच सोच के। अरे भाई मैं सोचूँ तो किसके लिए सोचूँ, सारे दोस्त बिसर गया मेरा, सारे अपना छूट गया चल गया, मेरा जो भी बचल कुचल कुछ भी था सब गया। मैं बहुत ही अकेला हूँ, फिर भी हम डिप्रेशन में कभी कभी चल भी जाती हूँ, बाकी फिर अपने आप को संभाल लेती हूँ। जो नहीं नहीं जाना है डिप्रेशन में, तो कोई डिप्रेशन में जा रहे हो तो मुझे एक बार याद कर लीजिएगा। तो बेचारी कितना दूर से यहीं पे आया है काम करने के लिए, बिहार में रहती है अकेले, ना कोई दोस्त है ना कोई है ना साथ देने वाला, कोई नहीं है, अकेला ही मच्छरदानी के अंदर वीडियो बना रही हो टाइम पास करने के लिए। तो एक बार सोच लीजिएगा, हमको कितना ताना वाना सुन के जीना पड़ता है, तो डिप्रेशन तो हमको जाना चाहिए भाई। आप लोग मत जाइए डिप्रेशन में, ये सब लेके सोचिएगा मत। जो आपका है आपका ही रहेगा, जो आपका नहीं है आप लाखों बोले हैं हमारा 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 ना रही भाई, चल जाइए। तो किसी को लेके इतना सोचने का जरूरत नहीं होता है, काम पे ध्यान दीजिए, सब कुछ आएगा, सब कुछ लौट के आएगा। कि हम तो एक किन्नर हो ना, तो फिर भी तो हम जी रहे हो। ना किसी को पाने का खुशी है, ना किसी को खोने का गम है। तो हमको देख लीजिए, इतना कुछ सह के इतना कुछ सुन के फिर भी जी रहे हो ना। तो अगर किसी को धोखा मिले, चाहे किसी को कोई भी तकलीफ हो, दुख हो, कुछ भी हो, तो पहले अपने आप को कंट्रोल कीजिए। हाँ इतना डिप्रेशन में जाती हूँ, फिर भी देखो जिंदा होना यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और किसी के लिए सोचना अच्छा बात नहीं है, तब तक सोचो जो आपको सोचाता है। आप उनके लिए तब तक सोचिए जब तक आपका सोच को इज्जत करें, आपका सोच को समझे, तब तक ही समझना चाहिए, सोचना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा किसी के लिए सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सोच के भी क्या कर सकते हैं। आप किसी को प्यार कीजिएगा तो उसको समझा सकते हैं, अगर समझाने का बाद भी ना समझे तो बेकार है, मत समझिए किसी को। छोड़ दीजिए, जो जा रहे उसको जाने दीजिए। दिन जाएगा तब ना रात आएगा, रात जाएगा तब ना दिन आएगा। तो आज किसी का जिंदगी में रात है, तो कल
सुबह जरूर होगा, बस वही दिन के इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लाइफ में कोई भी बात हो, कुछ भी हो, घबराना नहीं है, अपने आप को विश्वास रखना चाहिए, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, जो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो भी जाएगा। तो कितना वो कोई दुख दे, मुस्कुरा के बोलना हैप्पी, तो कोई भी दुख आपका पास दुख नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, बाय बाय, लव यू ऑल।